यह जड़ी बूटी। लाख में एक बकरी होती है जो ऐसा देती है दोस्तों। लो जी डल गया प्याज, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी सेवा हो रही है। देखिए थोड़ी देर पहले दिया था अभी दूध। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है दारू। हरिओम, सुबह के 8 बज गए हैं और यहाँ पे मैं रात को सोया था। देखिए साथ में इन्होंने यहाँ पे आग जलाई है और अपनी भेड़ बकरियों को लेके ये अभी जा रहे हैं चराने के लिए। देखिए बकरियों के मेमने उन्होंने अलग कर दिए और बकरियाँ जा रही हैं अभी जंगल में चरने के लिए। दोपहर के 12 बज गए हैं और इनकी भेड़ बकरियाँ यहाँ पे देखिए रेस्ट कर रही हैं और ये अभी खाना खाएंगे। ये बकरी के बाल हैं दोस्तों, देखिए बकरी के बालों से ये दूध छान रहे हैं अभी बकरी का। बहुत ही लाजवाब तरीका। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया दूध, दिखाना जरा हाथ उठाना। बेचते भी हो आप इस दूध को? अरे दूध अपने लिए पूरा नहाना, कहाँ बेचना है, यहाँ दूध ही नहीं होता बकरी। अच्छा अच्छा, ये बोलते हैं अपने लिए पूरा नहीं होता। हाँ जब परे बेचते नहीं हम, कुत्ते अपने लिए बेचने बुचने का अच्छा अच्छा सिस्टम नहीं रखते हम। ओरिजिनल चीज, ये ओरिजिनल चीज है। हाँ, इसमें एक बूंद कबाड़ नहीं जाएगी। अच्छा, एक भी बूंद कबाड़ नहीं जाएगा ऐसा बोल रहे हैं ये दूध में। पानी निकालने के लिए देखिए उन्होंने क्या जुगाड़ किया है। ये देखिए, ये आपने कहाँ से बनवाया? गाड़ी का टायर है, पिछली बार बनाया था। कहाँ पे? इधर शोगी। शोगी में? हाँ। चावल और साथ में बकरी का दूध जो कि यहाँ पे है, ये लाए निकाल के। कितनी बकरियों से निकाला आज? बस उतनी है, 7-8 बकरी। और ये जो हमने दूध डाला चावल में, ये उबाला नहीं है, है ना? कच्चा दूध। जितने भेड़ बाल के मुझे मिले मैक्सिमम सारे ही कच्चा दूध पीते हैं, चाहे किसी भी ज़िले के हो हिमाचल में। ये डाल दिया भाई ने डॉग्स के लिए खाना। और देखिए मेल डॉल नहीं, डॉग लग गया खाने। बाकी एक फीमेल डॉग ये, और एक ये भी आ गई इसके लिए भी। एक और इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वहाँ पे बांधी है वो, दूर से दिखाऊंगा मैं। ये देखिए इस छोटे से पेड़ से बांधी है ये। ये जो आपने कुत्ती बांधी है ना, काटती है? हाँ, खाना पड़ती है। नहीं नमस्कार करें, कटेंगी नहीं। ये बोल रहे हैं कि नमस्ते करती है, काटती नहीं है। इसको कांटेदार पट्टा लगाया है, साथ में ताला भी लगा है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त डॉग है दोस्तों। ये देखिए इसका चेहरा देखिए कितना डरावना है। ले क्या नाम है इसका? सिमरू। सिमरू 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 सिमरू। और ये जो डॉग है दोस्तों, इसके साथ इसकी मेटिंग हुई है, तो ये फीमेल बच्चे दे देगी। बाकी एक और जो बंदी है वो भी देगी। ये बोल रहे हैं कि यही फादर है जो भी होने वाले बच्चे हैं उनका। और देखिए मैं दोस्तों रिस्क ले रहा हूँ, इतने नज़दीक से वीडियो बना रहा हूँ। अभी खाना खा रहा है और अटैक भी कर सकता था। ये देखिए सिमरू, ये देखिए उसको भी दे दिया इन्होंने खाने को। देखिए खाना खा के दोस्तों देखिए तीनों यहाँ पे फ्लैट हो गए हैं। बाकी अभी इनसे बात करते हैं। करोगे ना आप बात हमसे? पक्का? पक्का। ठीक है, ये बोल रहे थे कि हमें फ़ोन मंगवाओ ऑनलाइन, उसके बाद ही बात करूँगा मैं, लेकिन मैंने मना लिया। चंद्रनान में भेड़ बकरी लेके जाते हैं हम, जहाँ बरसात काटा है हमारा। अच्छा। तो वहाँ क्या नाम, एक बंदा था, बाकी घर आ गए तो उसको क्या नाम, वो बकरी के साथ रहा, भेड़े ऊपर छोड़ी हुई थी। अब भेड़े थी 600। अच्छा।
हाँ 500 बकरी वो अलग थी, तो उसमें भालू अटैक हो गया, कोई डांक से गिर गया, कोई उसने गिरा ली भालू ने। वहाँ पे जो मरी हुई 600 भेड़े थी इनकी, वो वहीं पे सड़ती रही, चील कौवे खाते रहे, क्योंकि बहुत हाइट पे थी और उनको कसाई नीचे भी नहीं ला पा रहे थे इस वजह से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है। सरकार से कितना आपको मुआवजा मिल गया वैसे अंदाजा? वैसे क्या मिला, दो ढाई हज़ार रुपये नग। एक भेड़ का इनको 2500 रुपये मिला। अगर जिंदा होती तो कितने के बिकनी थी? हो 11-12 हज़ार की भेड़ थी। 11-12 हज़ार की थी जिंदा? कोई खाडू थे 15-18 हज़ार के। अच्छा अच्छा, 30 हज़ार के भी खाडू थे उसमें। कोई खाडू तो 30 हज़ार के भी थे ऐसा बोल रहे हैं ये, लेकिन पर भेड़ 2500 रुपये मिला इनको। मंडी ने यहाँ पे देखिए, इन्होंने गले में तेंदुओं का जो नाखून होता है उसका लॉकेट पहना है। सुनो जी, जैसे ये तीन मेमने हैं ना यहाँ पे, एक लेना होगा तो कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा 3000 का एक। हाँ जी, हाँ जी। एज सबकी सेम है इनकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितनी एज है इनकी? ये है जी 20-25 दिन के। अच्छा, 20-25 दिन के। अच्छा अच्छा, 3000 बोला आपने? 3000। चाहे छेलू लेना चाहे छेली। हाँ जी, जी। जितनी उम्र ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना रेट बढ़ता जाएगा। ऐसी बड़ी रेट है। अच्छा अच्छा आपका। और दोस्तों, साथ में नीचे सड़क है, आवाज़ आ रही थी सीटियों की, मतलब एक और गद्दी भेड़ बालकों का डेरा जा रहा है आगे की तरफ। अच्छा, घोड़े ले गए ये बोल रहे, घोड़े जा रहे हैं। इन्होंने देखे अभी, मैंने यहाँ पे रात बिताई, यहाँ जैसे सोया था आग के पास ही, जुराबे खोल दी थी रात को, मैंने सोचा आराम से सोएंगे जुराबे खोल के, क्योंकि मुझे जुराब पहन के थोड़ा आड़ा सा लगता है। लेकिन दोस्तों, आधी रात को इतनी ठंड लगी, फिर आधी रात को मैंने जुराबे पहनी तब सोया मैं। सेब के बगीचे भी हैं आपके यहाँ ना? सबके हैं। इस बार आपकी कितनी पेटियाँ निकली थी सेब की? 6000। मिलते हैं आपसे आगे। पानी पिया है सुद्ध ज्यादा बरोड़ा में था। बस 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 माटी काटे तो यूं। ये देखिए भाई, यहाँ पे अभी चाय बना रहे हैं और डेरे में मैं पहुँच गया हूँ। एक भाई ये है और एक भाई ये है यहाँ पे। लो मन तू भाई चाय पियो, आप एक बार चाय बन के रेडी हो गई है। और दोस्तों, बकरी के दूध की जो चाय होती है उसका स्वाद अलग ही होता है। ये देखिए भाई, अभी 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं पैदल पहाड़ी चढ़ के दुकान से सामान लाने के लिए, है ना भाई? तो रात को यहाँ पे जंगली जानवर होता है, तेंदुआ वगैरह? होता तो है बहुत। तो डर नहीं लगता अकेले जाना? नहीं नहीं नहीं, डर कहीं का। निन्नी देखिए, बाकी ये काम कर रहे हैं भाई, अभी आटा गूंद रहे हैं और यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। देखिए भाई, आप बरसात में कहाँ जाते हो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए? रानी गंडा बॉर्डर है, किन्नौर बॉर्डर। अच्छा, किन्नौर से तिब्बत वाला बॉर्डर वहाँ? जान जान जी, तिब्बत बॉर्डर पर आगे पास बनता है रास्ते चौक पे। अच्छा, चितकुल से आगे पास बनता है? जी जी। कितने महीने का? वहाँ 3-3.5 महीने का। जहाँ आप डेरा लगाते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से तिब्बत का बॉर्डर कितने दूर होता है? 2 किलोमीटर दूर। सिर्फ 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ भालू मिल जाता है जी, लाल भालू होता है वहाँ। लाल भालू? हाँ जी। और तेंदुआ कैसा होता है? तेंदुआ नहीं होता वहाँ। अच्छा अच्छा, तेंदुआ नहीं होगा जो वहाँ। बर्फ़ काफ़ी होती है ना? बर्फ काफ़ी है, ग्लेशियर में जाना पड़ता है कहीं तो। अच्छा, ग्लेशियर में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्लेशियर है, बहुत खतरनाक। घुस गए तो मिलेंगे नहीं ढूंढ के। अच्छा भाई बोल रहे हैं अगर घुस गए तो मिलेंगे नहीं ग्लेशियर में। बस बस बस। ये देखिए बकरी का दूध अभी निकाल के आए भाई, छान रहे हैं। और भाई के पास देखिए जादुई बकरियां हैं, देखिए दूध के साथ क्या देती हैं ये। यह है जड़ी बूटी, लाख में एक बकरी होती है जो ऐसा देती है। दोस्तों, असम से कोई बटालियन आई होगी अब वहाँ पे, पिछले साल से ये है वो बटालियन। क्या बोल रहे थे कि भाई ये लाल कुत्ते की क्या कीमत है? क्यों, उनको क्यों चाहिए था? वो बहुत खाते हैं, काट के इनको। काट के खाते हैं? आपको फिक्र होती होगी अपने कुत्तों की?
फिकर तो नहीं, हमने बोला होता है वहाँ पहले पहुँचते दे देखना जिस दिन वो बनते हैं पास बनता है। क्या बोलते हो कि जी बस ये देखना है आसाम फौज को समझा देना क्या आसाम फौज को समझा देना वहाँ पे जो कुत्ते थे उनका सफाया हो गया या वारा सब काले रह गए लाल तो गए। अच्छा ये बोल रहे दोस्तों कि काले कुत्ते बच गए फौज से और जो लाल कलर के थे वो एक नहीं बचे हमारे बच्चे दो एक भी नहीं बचे सिर्फ इनके बच्चे वो लाल रंग के कुत्ते खाते जाते लाल बिल्कुल जैसे हमारे नहीं है दो तो आपके कुत्ते भी लाल ही हैं फिर दो। तो वैसे आपको ना काले कुत्ते रखने चाहिए। नहीं नहीं हमारे को लाल है ठीक है ड्यूटी दे रहा। पर देखिए दोस्तों रोटी बहुत जबरदस्त बहुत स्वादिष्ट दो आंखें भी है इस रोटी को ये देखिए हिचकी लग गई इसको भाई फिर से ले आए दूध ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी सेवा हो रही है। देखिए थोड़ी देर पहले दिया था अभी दूध और फिर से दे दिया भाई ने। इस साइज की रोटी बनी है हमारे लिए और कुत्तों के लिए इस साइज की देखिए मोटी सी ये वाली भी कुत्तों के लिए बन रही है। खाना बनाने के बाद भाई ने मुझे देखिए सेब के छिलके दिए खाने के लिए। भाई इनमें डाला क्या क्या है आपने मतलब मैंने दोस्तों टेस्ट किया ना बहुत जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्राई फ्रूट होता है ना यहाँ पे लग रहा है तड़का। और भाई बोल रहे हैं कि ये 10 बंदों की दाल बना दी ज्यादा बन गई है ज्यादा बन गई है ज्यादा। ओहो कोई नहीं सुबह के लिए हो जाएगी सुबह के लिए चार चार कुत्ते हैं हमारे चार पांच पांच हाँ। और आप बोल रहे थे कि एक कुत्ता परसों लाए वो किन्नौर बॉर्डर पे सॉरी तिब्बत बॉर्डर पे भूल गया था वो रह गया था पीछे ही रह गया था। अच्छा फिर वहाँ से मंगवाया आपने वहाँ से मंगाया। अच्छा ITBP होती है जहाँ पे ना ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। लो जी डल गया प्याज बुसार भी डल गया सॉरी हल्दी ये तो फूड ब्लॉग भी हो गया ना। मेरे फोन की फ्लैश नहीं जल रही है क्योंकि चार्जिंग बहुत कम बची और भाई ने दाल भी डाल दी। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है दारू और इसकी भाई ने पूजा की है ना पूजा सच में करते हो आप ये ऐसे सच में मेरे सोने का जुगाड़ कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये भी मेरे साथ ही सोएगा आज देखिए अभी सब सोए थे और एकदम से आवाज आई कुत्ते चले गए हैं तेंदू आ गया है दोस्तों खून निकल रहा है इसके मुंह से यही पकड़ा था इसको हाँ चलो यही पकड़ते हैं ऐसे कुत्तों ने। ओहो ये देखिए दोस्तों इनका बड़ा कुत्ता तेंदुआ था ना ये हाँ।